गत 10 फरवरी की सुबह गुरुद्वारा नानक दरबार साहेब गिद्दड़बाहा में गुरुद्वारा साहेब की गोलक चोरी करने वाले कथित चोरों को पुलिस ने काबू कर लिया है। इस संबंधी थाना गिद्दड़बाहा पुलिस ने पहले ही गुरुद्वारा साहेब के ग्रंथी जसकरण सिंह पुत्र तोगा सिंह के बयानों पर अज्ञात चोरों के विरुद्ध मामला दर्ज किया था। इस संबंधी पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए थाना गिद्दड़बाहा के SHO राजवीर कौर और मामले की जांच अधिकारी ASI सुखपाल सिंह ने बताया कि चोरी की घटना को अंजाम देने वाले पति पत्नी सहित इनके रिश्तेदार को चोरी की घटना में प्रयोग की गई स्कूटी सहित गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि काबू किए गए इन व्यक्तियों की पहचान गुरशपिंदर सिंह और उसकी पत्नी ज्योति रानी निवासी संजय नगर बठिंडा और गुरशपिंदर सिंह के जीजा सतनाम सिंह निवासी नानकपुरा बठिंडा के तौर पर हुई है। उन्होंने बताया कि इन व्यक्तियों से चोरी में प्रयोग की गई स्कूटी और 1450 रुपए भी बरामद किए गए। हाँ जी, एक गुरुद्वारा नानक दरबार है गिद्दड़बाहा बैंटाबाद मोहल्ले च, 10-2 नूं उत्थे तड़के 3:30 बजे दो आदमी ते एक औरत गुरु घर की गोलक चुक के लै गए सी, जिहड़े कि बाद विच असीं जिन्हां नूं कि पकड़ चुके हैं, जिन्हां दी अरैसट पा चुके हैं, जिन्हां विच एक ज्योति राणी वाइफ ऑफ गुरशपिंदर सिंह है, गुरश और उहदा पति भी शामिल है इहदे विच, गुरशपिंदर सिंह, ये दोनों संजय नगर के रहन वाले ने। तीसरा बंदा है इन्हां दे विच सतनाम सिंह एलियस पप्पू, सॉरी सतनाम सिंह सन ऑफ पप्पू सिंह, नानकपुरा बठिंडा के रहने वाले है तिन्ने, और तिन्ने आपस दे विच ही रिश्तेदार आ। इन्हां दा आपां रिमांड लिया होया कल तक दा, ते इन्हां जिस एक्टिवा ते इन्नू वारदात नू अंजाम दिता वह भी आपां मतलब बरामद करवा चुके हैं। तां वो जो इन्होंने गुरु घर दे विच जो मतलब गोलक दे विच जो चांदी दे सिक्के सी वह भी आपां बरामद करवा रहे हैं, तां गोलक भी बरामद हो रही है। ठीक है, होर भी कितें इन्होंने की? हाँ जी, इन्होंने बावाला थाना जी हबोर दे विच फाजिलका डिस्ट्रिक्ट जी, उत्थे इन्होंने एक दुकान भन्नी है जी, दुकान के ताले तोड़ के बिजली वाली उत्थों चोरी की है। एक इन्होंने सदर हबोर थाना फाजिलका डिस्ट्रिक्ट उत्थे भी एक करियाने की दुकान से साढ़े को कहा भी असी चो, और इस तो पहला भी जरा सतनाम सिंह है ये चोरी के दो बच्चे है। गिद्दड़बाहा से कुलभूषण गर्ग की रिपोर्ट, ह्यूगमार्क TV।